इंद्रजिमी जंब पर वाड़ वसु वंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर समुरति नाह पर जो सहस्त्र वाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चित्ता मृग झंड पर भूषण बिदुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कन्न जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर कविराज भूषण। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को समझना है तो आपको सबसे पहले कविराज भूषण को समझना होगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन जैसा कविराज भूषण ने किया है आज तक वैसा कोई कर ही नहीं पाया। और ये कविराज भूषण आखिर है तो है कौन? उत्तर भारत से आए हुए कविराज भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान करते करते रायगढ़ किले पे जाते हैं, और रायगढ़ किले पे ही कविराज भूषण की मुलाकात सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ होती है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे शौर्य, उनके पराक्रम और उनके इतिहास का वर्णन एक में कवि है जिन्होंने किया है, जिनका नाम कविराज भूषण है। कईयों की ऐसी धारणा है कि कविराज भूषण और कवि कलश ये दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। कविराज भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे और कवि कलश शंभू राजे के साथ अंतिम समय तक थे। कविराज भूषण ने किए हुए वर्णन अगर हमारे इतिहास के पाठ्य पुस्तक को आ दिया तो जितने भी मुगलों के जो प्रेमी हैं उन सभी को आग लग जाएगा, क्योंकि कविराज भूषण ने जिस तरह से औरंगजेब का शिवाजी महाराज का वर्णन किया है वैसा वर्णन आज तक हमें ना दिखाई दिया ना कभी सुनाई दिया। कविराज भूषण औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि सूमर का औलादी औरंगजेब किन्ही, कत्ल मथुरा दोहाई फेरी रब की, खोदी डारे देवी सहर महल्ला बाके, लाखन तुरक कीने छूटी गई तब की, भूषण भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गई गति रब की, चारो वर्ण धर्म छोड़ी कलमा निवाज पड़ी, और शिवाजी न होते तो सुन्नत होत सबकी। अपने कविता के आरंभ में ही कविराज भूषण ने औरंगजेब को सूमर का औलाद कह दिया। यकीन मानो अगर आज के इतिहासकारों के अंदर थोड़ा भी दम होता तो इन कविताओं को हमारे किताबों में छापने का साहस तो जरूर करते। ना तो केवल औरंगजेब का बढ़ाई करना, औरंगजेब को महान बताना हमारे इतिहासकारों का पैशन है, बल्कि एनसीईआरटी के किताबों में हमारे बच्चों तक औरंगजेब और अकबर महान था इन सभी को बताया जाता है। दोस्तों, कविराज भूषण के इसी छंद को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंत में वे क्या कहते थोड़ा हमने ध्यान से सुना नहीं। चारों वर्ण धर्म छोड़ी कलमा नमाज पढ़ी, और शिवाजी न हो तो सुन्नत होत सबकी। इसका मतलब क्या था? चारों वर्ण धर्म छोड़ते अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। सुन्नत होना यानी कि मुसलमान बनने की पहली प्रक्रिया को पूर्ण करना, काशी मथुरा में कत्लेआम करना, काशी की गलियों में देवी देवताओं का खंडन करना, ये सारी चीजों का वर्णन कविराज भूषण ने अपने कविताओं के अंदर, अपने छंद के अंदर किया हुआ है। और ये कोई ना मन से बता नहीं रहा, ये सभी के सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में कविराज भूषण ने उनके सामने आकर गाया हुआ है, और इन्हीं चीजों के बाद कवि भूषण कविराज भूषण कहलाते हैं। और हमारे इतिहासकारों ने इसके बारे में हमें बताने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन चीजों को हमने सामने ला दिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर कैसे साबित करेंगे। अंत में बस इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे पास कविराज भूषण के कई ऐसे छंद है जिन छंदों के अंदर मुसलमानों का पर्दाफाश किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं और छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के अंदर क्या सच में मुसलमान थे, इस सवाल का जवाब दूं, तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि उन 57% मुसलमानों का जो तथाकथित इतिहासकार बार बार वर्णन करते हैं कि उनके बॉडीगार्ड थे, उनके सरसेनापति थे, उनके ये थे फलाना ढिमका, इनका पर्दाफाश करो, तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें पता चले कि हमारे एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ाया गया बच्चों को, वो औरंगजेब महान, वो अकबर महान, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठी कहानी रची जाती है ताकि हमारे हिंदू योद्धाओं के इतिहास को दबाया जा सके, उनके शौर्य को दबाया जा सके। तो मिलते हैं अनेक नए टॉपिक के ऊपर नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय शिवराय।